चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। इसकी मैं आपको यहां पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, कौन सी कैटेगरी में कितने रैंक पर कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिला है। मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी वो आपको बताया था कि 2 या 3 मार्क्स डाउन जा सकती है स्ट्रे वैकेंसी की, लेकिन ये 1 ही मार्क्स डाउन गई है मोप अप राउंड से। अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी की। तो ओपन कैटेगरी की जो ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ है वो 19,742 ऑल इंडिया रैंक पर, जिसके मार्क्स 598 थे, तमिलनाडु का नया कॉलेज जो नागरपट्टिनम है वो मिला है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें ऑल इंडिया रैंक 19,867 रैंक पर, जिसके मार्क्स 598 थे, जोरम मेडिकल कॉलेज फाल्कोन मिला है। ऐसे ही हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 19,756 रैंक पर, जिसके मार्क्स 598 थे, उसको नील ग्रीस जो तमिलनाडु का नया कॉलेज है वो मिला है। तो ये तीनों कैटेगरी की कट ऑफ 598 रही है, ये मोपअप राउंड में 599 रही थी, इसलिए इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें अगर ज़्यादा सीटें वैकेंट रहती हैं, क्योंकि सीट ब्लॉकिंग का इसमें मोपअप राउंड में होता है थोड़ा, स्टेट में जिन कैंडिडेट को सीट मिल जाती है तो वो मोपअप राउंड में भी फिल कर देते हैं, तो हो सकता है अगर ज़्यादा सीटें वैकेंट रहीं तो इसका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 भी कंडक्ट हो सकता है। ऐसे ही हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के जिन कैंडिडेट के 1,03,124 रैंक थी, जिसके मार्क्स थे 480, उसको आईआरटी कॉलेज मिला है तमिलनाडु का। इस साल तमिलनाडु की जो आईआरटी कॉलेज है और राजा मुतैया मेडिकल कॉलेज है, दोनों की फ़ीस पिछली साल की बजाय काफ़ी कम थी। पिछली साल इनकी हाई फीस थी, लेकिन इस साल इनकी फ़ीस काफ़ी कम है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,24,032 रैंक पर, जिसके मार्क्स थे 459, उसको अगरतला मेडिकल कॉलेज मिला है। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। इसके बाद में एम्स की कट ऑफ भी मैं जल्द ही लेके आऊँगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।